Assalamu alaikum viewers, I am Omar Sanawar, and in this lecture I will discuss what is access modifier in PHP object oriented programming. That is three types of access modifier that we can use in OOP, and first one is public, second is private, and third one is protective. And these three types of access modifier that we will discuss in that lecture, so must concentrate on that lecture, and let's start this lecture. सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्सेस मॉडिफायर होते क्या हैं. एक्सेस मॉडिफायर जो हैं वो हमें अलाउ करते हैं कि जो क्लासेस हैं उसमें जो फंक्शंस हैं या प्रॉपर्टीज़ हैं वो कहाँ कहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं. मीन्स के अगर उसको विद इन क्लास करना है या विद आउटसाइड द क्लास करना है, या मीन्स के दूसरी क्लास में जो है उसको एक्सेस करवाना है, तो वो जो है वो एक्सेस मॉडिफायर डिफाइंड करते हैं कि वो कहाँ पे एक्सेसिबल जो है वो हो सकते हैं, जो मेथड्स हैं, जो फंक्शंस हैं, तो वो हम देख लेते हैं. सबसे पहले जो है वो हमारा पब्लिक है. ये अगर लेट्स से कि हमारे पास क्लास ए है एंड क्लास बी है, दो क्लासेज हैं, और ये इनहेरिटेड हुई है बी क्लास जो कि ड्राइव फ्रॉम क्लास ए. सो क्लास ए इज़ अ पेरेंट एंड क्लास बी इज़ अ चाइल्ड ऑफ ए, एंड दिस इज कॉल्ड इनहेरिटेंस दैट वी हैव डिस्कस बिफोर इन प्रीवियस लेक्चर. सो लेट्स से कि क्लास ए के जो मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज हैं वो पब्लिक हैं, और ये बाय डिफॉल्ट होती हैं. अगर आप लोग पब्लिकली उसको डिफाइन नहीं करते कि भाई क्लास ए के जो जितने भी मेंबर्स एंड प्रॉपर्टीज हैं, मींस के वेरिएबल्स जो हैं वो पब्लिक हैं, देन क्या है कि वो क्लास बी जो है वो उसको एक्सेस कर सकती है. उसके जितने भी प्रॉपर्टीज हैं, उसके जो मेथड्स हैं, वो पेरेंट क्लास के एक्सेस कर सकती है, एंड आउटसाइड द क्लास जो है वो भी एक्सेस हो सकते हैं. जहाँ पे हम लोगों ने जो डिफाइन करते हैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, वहाँ पे भी हम लोग जो है वो एक्सेस कर सकते हैं. एंड क्लास ए जो है वो विद इन क्लास जो है वो तो डेफिनेटली एक्सेसिबल होंगे ही होंगे. और उसके बाद जो है वो प्राइवेट, वैसे ही हमारे पास दो क्लासेज हैं, उनको इनहेरिट किया हुआ है, एंड जो क्लास ए है उसके जो मेथड्स हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, वो प्राइवेट हैं. हमने डिफाइन किया हुआ है विद की वर्ड ऑफ प्राइवेट. क्लास ए में जितने भी प्रॉपर्टीज़ हैं, मेथड्स हैं, वो प्राइवेट हैं, एंड ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्लास बी में एक्सेसिबल नहीं हो सकते, और ना ही ये आउटसाइड जो है वो एक्सेसिबल हैं. ये जस्ट जो है वो विद इन क्लास जो है वो एक्सेसिबल हैं. एंड थर्ड इज़ प्रोटेक्टेड. लेट्स से कि दो क्लासेज हैं हमारे पास, वो भी सेम एज इनहेरिटेड हुई हुई हैं, तो हमने अब जो है वो क्लास ए के जितने भी मेंबर्स हैं उसको प्रोटेक्टेड किया हुआ है. यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे मैंने प्राइवेट किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे प्रोटेक्टेड किया हुआ है. क्लास ए के जितने भी मेंबर्स हैं वो प्रोटेक्टेड हैं. देन क्या है कि वो क्लास बी जो है वो उसको एक्सेस कर सकती है. क्लास ए के जितने भी मेंबर्स हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, वो क्लास बी एक्सेस कर सकती है, लेकिन वो आउटसाइड द क्लास, दोनों क्लासेस के बाहर जो है वो उसको हम एक्सेस नहीं कर सकते. और क्लास ए के विद इन वो क्लास जो है वो प्रॉपर्टीज़ हैं, मेथड्स हैं, वो तो एक्सेसिबल हैं ही हैं. तो ये हमारे पास है, तो हम डिस्कस यहाँ पे इंप्लीमेंट करके चेक कर लेते हैं कि ये जो वर्किंग है वो किस तरह हो जाती है. लेट्स से कि क्लास ए है हमारे पास, उसके मेंबर्स लाइक के मैं सबसे पहले पब्लिक डिस्कस करने जा रहा हूँ, और यहाँ पे मैं डिफाइन कर लेता हूँ वेरिएबल्स ए बी, ये दो ही डिफाइन कर लेता हूँ. और अंदर मैंने एक फंक्शन बनाया हुआ है. फंक्शन क्या कर रहा है कि सेट का फंक्शन बना लेते हैं, और यहाँ पे मैं रिसीव कर लेता हूँ ए एंड बी. ये मैंने जो है वो वैल्यूज़ जो हैं वो रिसीव कर ली, और मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ दिस ऑपरेटर के साथ. और एक्सेस करना हो तो दिस ऑपरेटर यूज़ करते हैं, और यहाँ पे मैंने वैल्यू सेट कर दी ए की, एंड वैसे ही मैं बी की सेट कर देता हूँ. ये मैंने दो वैल्यू सेट कर, और फंक्शन एक मैंने थर्ड बनाया हुआ है, वो है गेट का. और गेट क्या करेगा कि वो जो वैल्यूज़ हैं वो उसने करवानी है शो. इको करवा लेते हैं दिस ए, एंड सेकेंड इज दिस बी. ये दो वैल्यूज़ जो हैं वो इको करवा दें. और एक और मैंने क्लास बनाई है, क्लास बी. ये क्लास बी है, और इसके अंदर जो है अब यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट, मैंने अब पहले भी डिस्कस किया था कि बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो पब्लिकली सॉरी प्राइवेट पब्लिक होते हैं. तो यहाँ पे अगर मैं डिफाइन कर देता हूँ पब्लिक, तो ये पब्लिक बाय डिफ़ॉल्ट हो जाएंगे, अब वार देने की ज़रूरत नहीं है.
अब ये दोनों जो हैं वो पब्लिकली हमारे पास जो है वो मेंबर्स हो गए। अब यहाँ पे इसको कहीं भी किसी भी जगह यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं, चाहे आप क्लास बी में करें चाहे आउटसाइड द करें। आउटसाइड कैसे कि जब हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट के थ्रू जो है वो उसको एक्सेस कर सकते हैं, तो वो भी हम लोग देख लेंगे। अब यहाँ पे मैं अगर एक्सेस करना चाह रहा हूँ कि मैं लेट से एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ क्लास बी का, तो यहाँ पे मैं ये लिख लेता हूँ। और यहाँ पे मैं अगर उसको एक्सेस कर रहा हूँ, एक्सेस किस तरह कर सकते हैं कि मीन्स के लेट से कि मैं यहाँ पे ऐसे ही कर लेता हूँ। अब ये एक्सेसिबल, अब यहाँ पे मैंने एक्सेस उसको कर लिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे जाके एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ क्लास बी का, और लेकिन यहाँ पे इनहेरिट नहीं किया हुआ तो इनहेरिट कर लेता हूँ एक्सटेंड के साथ। एक्सटेंड किसके साथ करना है, क्लास ए के साथ। अब ये इनहेरिट हो गया। और ऑब्जेक्ट बनाते हैं क्लास बी का, तो ऑब्जेक्ट ओबीजे बी, सॉरी ओबीजे बी, और न्यू ऑपरेटर के साथ बी का ऑब्जेक्ट बन गया। एंड अब यहाँ पे एक और काम करते हैं कि वैल्यूज़ जो हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट दे लेते हैं, और बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 30 और यहाँ पे ये वैल्यूज़ दे। अब ये बाय डिफ़ॉल्ट जो हैं वैल्यूज़ जो सेट कर दी। अब यहाँ पे मैंने दिखाया था फंक्शन ऑफ क्लास बी, ये ताकि आपको माइंड में रहे। अब ये बी का ऑब्जेक्ट मैंने बना लिया। अब मैंने यहाँ पे वैल्यूज़ को एक्सेस भी कर सकते हैं, जैसे मैंने सॉरी वेरिएबल्स को एक्सेस भी कर सकते हैं। लाइक अगर मैंने एक्सेस करना है यहाँ पे ए को, तो ये आउटसाइड द हमारी क्लास है, नॉट नॉट के क्लास इन बी, नॉट इन क्लास ए हम एक्सेस कर रहे हैं, लेकिन ये आउटसाइड द क्लास हम करेंगे, तो वो हम देख लेते हैं। ओबीजे ए, अब ये आउटसाइड द क्लास हमने उसको किया है एक्सेस। अगर हम उसको करते पब्लिक सॉरी प्राइवेट, देन ये हम जो है वो उसको एक्सेस नहीं कर सकते थे। तो यहाँ पे मैं अगर इको करवा के चेक करूँ, तो चलते हैं हम ब्राउज़र पे, हाँ लोकल होस्ट ऊ, यहाँ पे मैंने कौन सी डायरेक्टरी बनाई है, इसको मैं करता हूँ रिफ्रेश, तो ये मेरे पास क्लास पड़ी हुई थी। अब यहाँ पे देखते हैं, अभी मुझे कोई भी वैल्यू शो नहीं करवाई, क्यों देख लेते हैं क्यों नहीं करवाई, क्योंकि यहाँ पे हमने इस फंक्शन को कॉल नहीं किया हुआ, दैट्स वे के इसको जो है वो वैल्यूज़ नहीं सेट की। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको फंक्शन को कॉल करेंगे, तब ये जो वैल्यूज़ है उसको सेट करेगा। तो जब तक ये फंक्शन ही कॉल होगा तो वैल्यूज़ सेट नहीं होनी। तो यहाँ पे मैं फंक्शन कॉल कर लेता हूँ ओबीजे ओबीजे, और हमने कौन सा करना है सेट फंक्शन कॉल। अब ये सेट फंक्शन जो है वो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, जो क्लास बी है उनको हमने इनहेरिट किया हुआ है विद क्लास ए, सो ये जो है वो इसके फंक्शन को एक्सेस कर सकता है। ये बाय डिफॉल्ट जो है वो पब्लिक फंक्शन होते हैं, तो ये एक्सेस कर सकते हैं। अब ये देखा 2023 जो 2323 जो वैल्यूज़ थी वो ए की, वो अब उसको सेट हो चुकी है, और यहाँ पे हमने उसको एक्सेस भी कर लिया हुआ है। यहाँ पे एक्सेसिबल हो सकता है क्योंकि यहाँ पे हमने उसको पब्लिकली किया हुआ है। अगर यहाँ पे मैं करता प्राइवेट, अब देखते हैं क्या होता है। अब ये देखें, उसने मुझे फेडरल एरर दे दिया, कहता है कि अनकॉट एरर कॉल टू प्राइवेट मेथड ए एंड सेट ये, तो ये जो है वो उसने बता दिया कि प्राइवेट मेथड है, तो इसलिए जो है वो एक्सेसिबल नहीं है ये जो फंक्शन है ये यहाँ पे, क्योंकि हम कॉल कर रहे थे तो ये आउटसाइड द फील्ड जो है वो एक्सेस नहीं कर सकते, और यहाँ पे भी उसको एक्सेस नहीं कर सकते। अगर यहाँ पे मैं अगर उसको एक्सेस करूँ, तो मैं यहाँ पे एक्सेस करने जा रहा हूँ यहाँ पे सिंपल जो है वो सेट फंक्शन कॉल करना। अब यहाँ पे भी एरर दे रहा है हमें, यहाँ पे अगर मैं दिखा रहा हूँ अनडिफाइंड फंक्शन, यहाँ पे मैं जाके चेक कर लेता हूँ। अब ये देखें, अब यहाँ पे मुझे लाइन जो है वो 27 पे उसने बता दिया कि ये यहाँ पे एरर है 20, यहाँ पे भी हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते। यहाँ पे अगर मैं इसको कमेंट कर दूँ, ये देखें यहाँ पे मुझे उसने शो नहीं करवाया क्योंकि मैंने इस फंक्शन को कॉल भी नहीं किया हुआ। अगर मैं यहाँ पे इसको फंक्शन को कॉल करता हूँ क्लास बी, अब ये मैंने फंक्शन को कॉल किया, और ये देखें यहाँ पे मुझे बता दिया कि अनडिफाइंड फंक्शन सेट फंक्शन जो है वो एक्सेसिबल नहीं है विद इन बी क्लास भी, वो एक्सेसिबल नहीं है। अगर मैं इसको करता हूँ पब्लिक सॉरी प्रोटेक्टेड,
प्रोटेक्टेड कर लेते हैं और जाके फिर चेक करते हैं। सॉरी सॉरी, यहाँ पे दिस ऑपरेटर के साथ उसको हमने करना था। अब ये देखें, अब ये वैल्यूज उसने गेट की और उसके बाद जो है वो फंक्शन ऑफ क्लास भी वो जो है उसने हमें शो करवा दिया। अगर ये प्राइवेट होता, प्राइवेट कैसे कि यहाँ पे मैं दोबारा से प्राइवेट करने जा रहा हूँ। अब ये देखें, अब ये उसने बता दिया कि मेथड जो एक है सेट फंक्शन जो है वो हमारा प्राइवेट है, सो दैट्स वे वी कांट एक्सेस ऑन अदर क्लास। सो हमने यहाँ पे पब्लिक प्राइवेट जो है वो इसलिए बनाते हैं कि कुछ डेटा जो है वो यूज़र को अनएक्सेसिबल होना चाहिए, वो किसी और में क्लास में एक्सेसिबल ना हो। तो वैसे ही हम लोग जो वेरिएबल्स हैं इसको भी हम लोग जो है वो प्राइवेट एंड पब्लिक कर सकते हैं कि लाइक के अगर मैं इसको प्राइवेट करना एक और वेरिएबल मैं डिक्लेयर करता हूँ तो सी। अब ये जो सी है ये प्राइवेट है, लेकिन ये क्लास, ये जो वेरिएबल है प्रॉपर्टीज़ है वो विद इन ए क्लास एक्सेसिबल है, इन बी नहीं एक्सेस कर सकते एंड आउटसाइड द क्लास हम उसको एक्सेस भी नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास एक्सेस मॉडिफायर होते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ये हमें बहुत ज़्यादा सिक्योर डाटा को सिक्योर करना हो तब ये हम यूज़ करते हैं कि भाई ये डाटा जो है वो किस क्लास में और कहाँ पे कहाँ तक इसको यूज़ कर सकते हैं, उसका स्कोप जो है वो डिफाइन करने के लिए हम लोग एक्सेस मॉडिफायर यूज़ करते हैं। तो ये आपने इस चीज़ को अच्छे से देखना है, और ये इंटरव्यू में इस तरह के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं तो आपने इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।